अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट सैयद आमिर रियाज। आज मैं पेशावर की बहुत ही मशहूर कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ कि जिसका नाम है खैबर की शिनवारी कढ़ाई। तो चलें आए चलते हैं कढ़ाई बनाने की तरफ। खैबर की शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, जो कि तकरीबन 750 ml है, और यहाँ तकरीबन 3 kg हमारे पास चिकन है, 17 से 18 हरी मिर्चें हैं, 2 kg टमाटर है। रहीम, सबसे पहले हम जो है कढ़ाई बनाने के लिए ये ऑयल में, जो कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम जो है ये चिकन डाल देंगे। अच्छा, ये चिकन जो है हमने पहले ही छलनी में डाल दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है एक बर्तन में जाके गिरे, सही है ना, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम आइए हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस चिकन को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन ब्राउन ना हो जाए, और ये ड्यूरेशन तकरीबन 22-25 मिनट्स का है, और इसे हम जो है हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चिकन डालते ही हम सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। सुबह एक्चुअली हमारा खिचड़ी का प्रोग्राम है, तो हम जो है हमने सोचा कि कोई खास कढ़ाई बनाई जाए, तो हमारे जहन में आया वैसे कई कुछ किस्म के कढ़ाई है, तो आज हमने सोचा कि खैबर शिनवारी बनाई जाए, चलिए, जो कि हमारे दोस्तों को बहुत पसंद है, तो उस वजह से जो है इस टाइम पे जाती है। देखें, हमारी चिकन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसका एक्सेसिव ऑयल निकाल देंगे। ये देखें, एक्सेसिव ऑयल हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम जो है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ पेस्ट वो डाल देंगे, और उसके बाद जो है इसमें आधी प्याली पानी भी शामिल कर दिया है, और अब ये हरी मिर्चें डालेंगे हम। हमारी चिकन कितनी अच्छी फ्राई हो गई है देख रहे हैं आप। अब इसमें हम जो है ये टमाटर डाल, ये देखें, इसमें हम जो है हाफ कप पानी का डाल रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले जो है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पानी यूज़ करते हैं, सही है, तो इसलिए हम जो है अब इसे हम 5-6 मिनट के लिए कवर करेंगे। तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं, हम टमाटरों को चेक करेंगे कि आया ये गल गए हैं कि नहीं, और अगर ये हो गए हैं तो स्किन इस तरीके से रिमूव कर देंगे। ये देखें, इनकी स्किन जो है इतने आसानी से रिमूव हो रही है, देख रहे हैं आप, ये देखें कितने आसानी से इसका स्किन रिमूव हो गया है, इसका मतलब है कि टमाटर हमारे गल चुके हैं। ये देखें, हमने तकरीबन तमाम टमाटर से स्किन रिमूव कर दिया है, अब हम टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे, सही, इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे, और साथ ही साथ हम फ्लेम भी बढ़ा देंगे। ये देखिए,
देखें बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें 2 टीस्पून हम जो है काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे जो है काली मिर्च डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसको मजीद मिक्स करेंगे। ये देखें जो हमने ऑयल निकाला था वही ऑयल हम डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें जो है ऑयल इसमें लास्ट में थोड़ा सा कम लग रहा था, तो तरी के लिए हम इसमें जो है ऑयल डाल रहे हैं तकरीबन। ये देखें हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। अब हम इसमें जो है ये मसाले डाल देंगे, हरा धनिया है, कटी हुई मिर्चें हैं और जूलियन कटी हुई अदरक मिक्सित है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। व्यूअर्स हमारी खैबर शेरवानी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चोलिस्तानी कढ़ाई, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चोलिस्तानी कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है 600 ग्राम चिकन, 3 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन, 6 से 7 साबित हरी मिर्चें, 4 टमाटर, इन्हें हमने इस तरह से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, और 1 कप इसके लिए हमें चाहिए दही। और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं: नमक 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा कुटा हुआ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून लंबाई में कटी हुई अदरक जिसे आखिर में हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में हमने 1/2 कप ऑयल डाल लिया है, अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और साथ ही नमक भी शामिल कर देंगे। अगर आप कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप चिकन को नमक के साथ ही फ्राई करें, क्योंकि इससे उनकी कढ़ाई क्विक और फ्लेवरफुल तैयार होती है। नमक के साथ चिकन को फ्राई करेंगे 3 मिनट तक, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे और चंद सेकेंड इसे अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन के साथ हमने फ्राई कर लिया है, अब इसमें टमाटर इस तरह से रख देंगे। देखिए हमने टमाटर को इस तरह से रख दिया है, अब इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं। और अब हम टमाटर की स्किन रिमूव कर देंगे इस तरह से इजीली इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और मसाले इसमें शामिल कर देंगे: कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा शामिल कर देंगे, और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। ये देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें दही शामिल कर देंगे और इसे हम पकने देंगे दही का पानी खुश्क होने तक। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें कटी हुई अदरक डालेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और भी झटपट तैयार हो जाने वाली चोलिस्तानी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है।
अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मुनफरिद लाहौरी चिकन कढ़ाई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लाहौरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमारे पास मौजूद है 400 ग्राम चिकन, ग्रेट की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 टमाटर इस तरह से कटे हुए, आधा कप दही, 1 टीस्पून फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो मसाले इसमें हम शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें ज़ीरा पाउडर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और दम लगाते हुए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, अदरक लंबाई में कटी हुई 1 टेबल स्पून, और हरी मिर्चें हमने ली हैं 3 से 4, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे ये चिकन। और अब इसमें शामिल करेंगे नमक, और चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें, और ये प्याज इसमें शामिल करेंगे, और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हम भूनें, यहाँ तक के प्याज का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए प्याज का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम तमाम मसाले। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, और अब इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम भून लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे दही, और अब इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, और इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। और अब इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मुनफरिद लाहौरी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बलोची टिक्का कढ़ाई, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलें चलते हैं कढ़ाई बनाने की तरफ। बलोची टिक्का बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 1/2 लीटर ऑयल हमने लिया है, 800 ग्राम तकरीबन चिकन ली है। सबसे पहले हम चिकन को इसमें डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे जो कि 1 टीस्पून है, पानी डालेंगे। ये पानी हमने 1/4 कप डाला है, जबकि रेस्टोरेंट वाले इसमें जो है तकरीबन फुल कप
डालते हैं। चूंकि उनका फ्लेम बहुत हाई होता है इसलिए वो पानी जल्दी ड्राई हो जाता है, और जबकि हम जो है हमारा फ्लेम उस तरह का नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ वाटर कप पानी डाला है ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। ओके, ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और फिर इसमें जो है ये तकरीबन 10 के करीब हरी मिर्चें हैं, और 10 मिनट के लिए हम इसे दोबारा कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्चें और चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखें बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, और फ्लेम ऑफ करने के बाद तकरीबन तमाम ही ऑयल को हम जो है इसमें से रिमूव कर देंगे। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। फ्लेम ऑफ है और हमारी चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। सही है, आप इसके देखें, आप इसका कलर देख सकते हैं। सही है, आप इसका कलर देखें कितनी अच्छी फ्राई हुई है। इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 टेबल स्पून चिकन कढ़ाई मसाला है, जो कि आप शान का भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून हमारे पास कुटा हुआ जीरा है, 1/2 टी स्पून हमारे पास दक्कनी मिर्च है जो कि वाइट पेपर भी कहलाता है, और चाट मसाला हमारे पास 1/2 टी स्पून है। इसी तरीके से गरम मसाला 1/2 टी स्पून है, और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमारे पास नींबू का रस है। फ्लेम हमारा बिल्कुल ऑफ है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे, कढ़ाई मसाला, कुटा हुआ जीरा, दक्कनी वाइट पेपर, चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू का रस, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया। ये देखें इन तमाम मसालों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज और मजेदार है। ये देखें हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट स्टाइल की। लेकिन चूंकि बहुत से लोग कच्चे मसाले इस्तेमाल नहीं खाना चाहते या बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो उनके लिए हमने एक आसानी ये की कि इसके अंदर जो है हम दही भी ऐड कर दें। सही है, उसके बाद भी आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। पीछे आवाज ने फ्लेम ऑन कर दिया है, और इसमें हम 1 कप दही का डाल देंगे, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया था। इसको अच्छी तरीके से हम जो है पका लेंगे। इस तरह से करने से वो जो मसाले कच्चे हैं वो भी पक जाएंगे, और मसालों की तेजी भी कम हो जाएगी। चूंकि हमने इसमें से सारा ऑयल रिमूव कर दिया था, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जो कि 1/2 कप है, और अब हम इसे दही का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है और हमारा ऑयल ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है,
अब हम इसमें जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और गार्निशिंग के लिए हम इसमें अदरक और हरा धनिया डालेंगे। हमारी ब्रोकी टिक्का कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स, हमने आपको दोनों तरीके से ब्रोची टिक्का कढ़ाई बनाने का तरीका बता दिया है। जो लोग स्पाइसी नहीं खाते वो जो है हमारे दूसरे तरीके से कढ़ाई बना के इस्तेमाल कर सकता है, और जो लोग स्पाइसी खाते हैं वो जो है इसके पहले तरीके को इस्तेमाल करें। और जो है उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरीके ही बहुत पसंद आएंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबको सैयद आमिर का सलाम।